राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सेक्टर जी के रिहायशी इलाकों में कब्रिस्तान में आए दिन मुर्दे जलाए जाने की वजह से क्षेत्रवासियों का रहना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल एक वर्ष पहले गिर गई थी और उसी बाउंड्री वॉल की दीवार के नीचे दबकर एक व्यक्ति की जान भी जा चुकी है। लेकिन आज तक कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल वैसे की वैसे ही पड़ी हुई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। जब न्यूज साइंस के संवाददाता ने मौके पर जाकर स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि कॉलोनी के बीचों बीच कब्रिस्तान बना हुआ है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में आए दिन मुर्दे फूके जाते हैं, जिसका धुआं आसपास बने घरों में जाता है, जिससे उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कतें होती हैं। घरों के सामने बने कब्रिस्तान में मुर्दे फूके जाने की वजह से छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग में दहशत का माहौल बन जाता है। लोगों ने बताया कि ये कब्रिस्तान पुराने समय का बना हुआ है, आसपास के गांव के लोग इसी कब्रिस्तान का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में कब्रिस्तान के चारों ओर कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि क्षेत्र की समस्या के बारे में मुख्यमंत्री पोर्टल, लखनऊ मेयर, नगर निगम व स्थानीय पार्षद के पास शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस कब्रिस्तान को यहां से हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब न्यूज टाइम्स के संवाददाता ने स्थानीय पार्षद से लोगों की समस्या के बारे में बात की तो पार्षद ने बताया कि अभी आचार संहिता चल रही है, कब्रिस्तान की टूटी हुई बाउंड्री वॉल लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बनवा दी जाएगी। समस्या ये बाउंड्री टूटी होने से, एक तो यहाँ पर मुर्दे जलते हैं, उनकी बदबू आती है, सुअर आते हैं, स्वाइन फ्लू के खतरे पैदा हो गए हैं, लोग यहाँ पॉटी करते हैं, खुले में शौच करते हैं। सभासद से अनेकों बार रिक्वेस्ट किया जा चुका है, नगर निगम को कंप्लेन की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी पहले गए थे, पहले नगर निगम के पास गए थे, महापौर के पास शिकायत करी थी, तो उन्होंने कहा कि ये LDA का काम है, LDA के पास गए, वो कहते हैं नगर निगम का काम है, कोई सुन ही रहा। अब इसको आप भी हम समझ सकते हैं, दुनिया देख रही है कि ये बाउंड्री टूटी हुई है, कोई नहीं सुन रहा, ना सभासद सुन रहा है, ना महापौर सुन रहे हैं, ना विधायक सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। सभासद कह रहे हैं कि ऊपर जाइए बात करिए, किससे ऊपर जाएँ बात करें, अब वो यही है ऊपर बचा, जहाँ जाएँ तब बात करें। यहाँ पे मतलब कहते हैं सौ वगैरह जलते हैं, तो आसपास सब रिहायशी एरिया है, तो इसके वजह से जो धुएं वगैरह जो भी है, मतलब सबका घर में जाते हैं, सबको दिक्कत होती है और धुएं की वजह से कई प्रॉब्लम भी हो जाती है। बाउंड्री गिरी हुई, लोग कूड़ा रात में फेंक जाते हैं, मरा कुत्ता फेंक जाते हैं, बदबू आती रहती है, समस्या तो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए आप लोगों ने कहीं शिकायत दर्ज करवाई? सभासद से कहा है। क्या बोले सभासद? कह रहे हैं करा देंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्या का ये दीवार जो है गिर गई थी एक साल पहले, तो किसी को मरना है और सब हम लोगों का नुकसान भी हो गया, दुकान टूट गई थी, एक लोग एक्सपायर भी हो गए थे। भैया बहुत दिक्कतें हैं, क्योंकि मुर्दे जलते हैं, धुआं निकलता रहता है, हम लोग चैन से रह नहीं पाते, डिवाइडर पे लाशें वासे रखी जाती, बहुत दिक्कत होती है, लैट्रिन बाथरूम लोग करते हैं, सब दिखाई पड़ता है, यही सब। बाउंड्री वॉल भी टूटी पड़ी हुई है, काफ़ी समय से टूटी है, ये बाउंड्री बननी चाहिए यहाँ पर। मनीष, क्या समस्या आ रही है कब्रिस्तान से? ये सब सामने दिखाई पड़ता है, सब मुर्दे उर्दे जलते रहते हैं, जानवर अनवर। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।